एक बार सैलानियों का एक दल भारत के अनगिनत खूबसूरत दर्शनीय स्थलों से गुजरता हुआ माउंट आबू पहुंचा। कितना मनमोहक वातावरण है यहाँ, ऐसा लगता है मानो कश्मीर में आ गए हों। अरे ये तो किसी राजा के महल जैसा लगता है। चलो पूछते हैं, ये किस राजा का महल है और वो वहां लगी हुई तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की है। चलो आज हम आप सबको बाबा के बारे में बताते हैं। बाबा का जन्म सन 1876 में सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में कृपलानी खानदान में हुआ था। पिता खूबचंद जी एक छोटे से गांव के स्कूल में मास्टर जी थे। बच्चों, तुम्हें भी राजा हरिश्चंद्र की तरह सदा सच्चाई की राह पर चलना है और श्रवण कुमार की तरह अपने माँ बाप की सेवा करनी है। बधाई हो मास्टर जी, भाभी जी को लड़का हुआ है। सच? इनके बचपन का नाम लेखराज था। बालक लेखराज की किस्मत में माँ का प्यार बहुत ही कम था। असमय ही माँ की मृत्यु हो गई। प्यारे लखी, आज अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें इतना सया ना देख कितना खुश होती। बाबा आप कितने अच्छे हैं, मैं आपकी और मम्मा की आश अवश्य पूरी करूँगा। वो पढ़ाई में बड़ा होशियार था। एक चित्त से अभ्यास करने की विशेषता उसमें बचपन से ही थी। लेखराज की दिनचर्या की शुरुआत विष्णु के भक्ति से होती थी। वो बड़ों के साथ सदा नम्र और आज्ञाकारी था। प्रणाम चाची जी, मेरे लायक कोई सेवा? भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा। सुभान अल्लाह, बेटा हो तो ऐसा हो। इसे कहते हैं सच्चा कुल दीपक, जिसमें संस्कारों की रोशनी हो। एक बार लेखराज के पिताजी को तेज बुखार आया और वे बेहोश हो गए। बाबा बाबा आंखें खोलो, थोड़ा पानी पी लो। गांव में कोई वैद्य नहीं था। बालक लेखराज अपने पिता को बैलगाड़ी में बिठा के शहर की तरफ चल पड़ा। बाबा फिकर न करो, भगवान आपको जल्दी ही अच्छा कर देंगे। मेरे बाबा को हैदराबाद के किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ तो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही खूबचंद जी की मौत हो गई। पिता की मृत्यु के बाद लेखी बड़े भैया के साथ उनकी अनाज की दुकान संभालने लगा। माफ करना बाबू, एक आना कम है, इस उम्र में ज्यादा काम नहीं कर पाती। कोई बात नहीं माई, जब हो तब दे देना। यूं तो मुफ्त में बांट बांट कर ये तो मेरा धंधा चौपट कर देगा। घर पहुंचते ही बड़े भैया गुस्से से बरस पड़े। तंग आ गया हूं मैं तेरी इस दरिया दिली से। धंधा दिल से नहीं दिमाग से किया जाता है। अब मुझे किसी और धंधे की तलाश करनी होगी। फिर वे जवाहरात का धंधा सीखने के लिए बम्बई गए। दिन रात की मेहनत और उनकी सच्ची लगन ने जल्द ही उन्हें एक बेहतरीन जौहरी बना दिया। भाई वाह लेखराज, कितना शानदार हार बनाया है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बड़ा ही गुणी और मेहनती इंसान है पन्नेलाल जी, देखना एक दिन बड़ा नाम कमाएगा। उनकी तारीफ कलकत्ता से आए एक सज्जन भी सुन रहे थे। अपनी पुत्री जसोदा के लिए इससे अच्छा वर कहाँ मिलेगा मुझे।
इसी दौरान वे कलकत्ता चले आए। लेखराज दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे और नामी गिरामी व्यापारी बन गए। तब उसी सज्जन ने अपनी पुत्री जसोदा की शादी उनके साथ कर दी। जसोदा एक अत्यंत संस्कारी गुणवान पत्नी साबित हुई। उसमें ईश्वर भक्ति तथा पति परायणता अपूर्व थी। वक्त गुजरने के साथ ही लेखराज जी चार बच्चों के पिता बन गए। बाबा को बच्चों से अपार स्नेह था। वे बच्चों की परवरिश ऐसी करते मानो वे राजकुमार राजकुमारियां हों। आओ बच्चों, देखो ये हीरो के गहने तुम्हारे लिए हैं। बाबा आप कितने प्यारे हो। पर हाँ, कभी किसी से मांगना नहीं, मांगने से मरना भला। वक्त पंख लगाकर उड़ता गया और देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए। अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। आज तो आपने हाँ करके हमें कृतज्ञ कर दिया लखीराज बाबू। आपकी बेटी के रूप में मानो हमें संस्कारों का खजाना मिल गया। अब कैसे कहूँ लखीराज बाबू, बस यूँ समझ लीजिए कि बरसों की जान पहचान को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। आप जैसे नेक इंसान से रिश्ता जोड़कर हमें भी खुशी होगी। लखीराज जी ने बड़ी धूमधाम से बच्चों की शादियां की। बेटी, खानदान संस्कारों का आईना होता है। अब ससुराल ही तेरा घर है, कभी किसी को शिकायत का मौका मत देना। जी बाबा। लो बहू, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी लाए हैं। बहू, हमारे यहाँ सब कुछ है, पिहर घर से कुछ न लाना। और देखो, मान तब रहे जब कोई कुछ दे और तुम न लो। बाबा को गीता बहुत प्रिय थी, उसका वे नियमित पाठ करते थे। वे यात्रा में भी गीता का पाठ अवश्य करते। गीता तो सर्व शास्त्रों में शिरोमणि है। भगवान ने कहा है, जब जब धर्म ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। अधर्म तो चारों तरफ फैल ही गया है, कब आएंगे भगवान। उनको श्री नारायण का चित्र बहुत पसंद था। एक बार एक चित्रकार शेषशैया पर लेटे श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाकर लाता है। चित्र तो बड़ा ही सुंदर है, श्री नारायण कितने प्रशांत लगते हैं। पर श्री नारायण के पांव दबाती हुई श्री लक्ष्मी का चित्र निकालकर दूसरा चित्र बनाना, जिसमें श्री लक्ष्मी का गौरव बना रहे। कलकत्ता में उनका जवाहरात का बड़ा व्यापार था। बड़े बड़े राजा और रईस ग्राहक रूप में उनके यहाँ आते रहते थे। लखीराज बाबू कभी झूठे हीरे नहीं देते। सही फरमाया आपने मुनीम जी, अपने लखीराज बाबू विश्वास का दूसरा नाम है। आइए लखी बाबू, बैठिए, आज क्या क्या लाए हो देखिए। इस बार आपकी पसंद के गहने लाए हैं हम। वे बड़े ही सत्यप्रिय तथा धर्मनिष्ठ थे। राजा रईस लोग जब कलकत्ता आते तो पार्टी में शुद्ध शाकाहारी व्यंजन, फल, मेवा, मिठाई आदि परोसा जाता था। लकीराज बाबू, आपकी पार्टी तो फीकी फीकी रही। हम आपको शराब और मांस थोड़े ही देंगे, हमारे आगे तो धर्म बड़ा है। भाई वाह, लकीराज बाबू उसूल के बड़े पक्के हैं। बड़े बड़े राजा लोग उन्हें अक्सर आमंत्रित करते थे। बाबा का उन्नत भाल, उदात्त मुख मुद्रा, दिव्य गुण और प्रभावशाली व्यक्तित्व देखकर राजा लोग कहा करते, लखीराज बाबू भगवान ने भूल कर दी है जो हमें राजा बनाया, राजा तो आपको बनना चाहिए था। ये तो आपका बड़प्पन है राजा साहब। आपका स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं है, नेपाल नरेश को सूचना भिजवा दूं कि आप नहीं आ रहे हैं। नहीं मुनीम जी, निमंत्रण को ठुकराना मेजबान का अपमान होगा, हम अवश्य जाएंगे। नेपाल नरेश ने सिंहासन से उतरकर उनका स्वागत किया और खूब मेहमान नवाजी की। एक बार उदयपुर के महाराणा ने बाबा को सब परिवार आमंत्रित किया और जब तक बाबा नहीं आए तब तक महाराणा ने दरबार रोक कर रखा। इस प्रकार दरबार कभी रुका नहीं था। महाराणा साहब, दरबार का वक्त गुजरता जा रहा है,
महामंत्री जी, जब तक हमारे शाही मेहमान पहुंच नहीं जाते, दरबार शुरू नहीं हो सकता। वहां पहुंचते ही बाबा ने देरी से आने के लिए विनम्रता से क्षमा मांगी। माफ कीजिए राणा साहब, सफर में वक्त थोड़ा ज्यादा लग गया। मेहमान देवतुल्य होते हैं लखीराज बाबू, माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना कीजिए। महामंत्री जी, अब दरबार शुरू करवाइए। एक दिन कोई सुनार अपने दो बच्चों को लेकर बाबा की दुकान पर आया। लखीराज बाबू, इन हीरों को गहनों में जड़ना है। सितारों जैसे चमकते कांच के टुकड़े कितने सुंदर हैं। एक पुड़िया ले लूं? अरे, ये तो एक ही पुड़िया है, दूसरी कहां गई? उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वे किसी पर कभी अविश्वास नहीं करते थे। शायद सुनार के बच्चों ने खेलने के लिए ले ली होगी। बाबा को अपने घर देख सुनार बड़े आश्चर्य में पड़ गया। बाबूजी, आप मेरे घर? तुम्हारे बच्चों को मिठाई देना भूल गया था, सोचा चलो बच्चों को मिठाई दे आऊं। अरे, अब क्या होगा? बाबूजी को मालूम? मीठे बच्चे, तुमने खेलने के लिए दुकान से पुड़िया ली थी ना, वो कहाँ है? मैंने नहीं, बड़े भैया ने ली थी, छत के नीचे रखी है, ले आऊं? अब मुझे ये बताओ, तुम्हें ये हीरे क्यों चाहिए थे? हमने सोचा ये चमकीले कांच के टुकड़े हलवाई को देकर खूब मिठाई खाएंगे। ऐसे बिना पूछे कोई चीज लेना बड़ी गंदी बात होती है प्यारे बच्चे। अब जब भी तुम्हें मिठाई खानी हो तो मुझसे कहना। बाबा मेहमानों का स्वागत ऐसे करते जैसे घर में देवता पधारे हों। अतिथि सत्कार को वे धर्म समझते थे। आइए आइए, आपने हमारा घर पावन किया। बाबा का एक दोस्त बनारस में रहता था। जब अपने परिवार से तंग आ जाता तो बाबा से मिलने चला आता। कितना शांत चेहरा, कितनी प्रेम भरी मूर्ति, कितनी अपूर्व शांति मिल रही है। अरे आओ मित्र, तुम्हें इतने दिनों बाद याद आई मेरी। एक बार बाबा गंगा किनारे धार्मिक यात्रा हेतु सपरिवार गए। अपनी पुत्र वधु द्वारा ब्राह्मण को बड़ी दक्षिणा दिलाई। 1000 रुपए? दादा, आप तो राजा हो। ये तो आपका हक है पंडित जी, कृपया इसे स्वीकार करें। लखीराज बाबू, जल्दी चलिए, चाचा जी की तबीयत बहुत खराब है। ओह, चलो चलो, अब मेरे जाने का वक्त नजदीक आ गया है, मेरे पीछे सदाव्रत का क्या होगा? आप चिंता ना करें, ये भंडारा सदा चलता रहेगा। हे परमपिता परमेश्वर, समस्त विश्व की आत्माओं को शांति प्रदान कर। हे गंगा मैया, अपने पावन जल से सबका कल्याण कीजिए। मुनीम जी, शहर में सबको न्योता भिजवा दिया है ना? देखना कोई बाकी ना रहे। लखीराज बाबू, आपका तार आया है बंबई से। गुरु जी का बुलावा आया है, मुझे तुरंत बंबई जाना होगा। मगर पोते के जन्मदिन की पार्टी है, मेहमान क्या कहेंगे? गुरु का बुलावा काल का बुलावा है, मैं गुरु की आज्ञा टाल नहीं सकता। ये गुरु का ही प्रताप लगता है। ओहो प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। गुरु जी, क्या ये आपकी ही कृपा थी? कैसी कृपा लखी? बाबा मन ही मन समझ गए, गुरु इस संबंध में कुछ नहीं जानते। फिर बाबा का मन सच्चे सदगुरु परमात्मा की ओर खींचने लगा। मिल गया खजाना, मिल गया माला माल, रत्न ही रत्न मिल गई, चाबी मिल गई। आहा, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, इसी की तो तलाश थी मुझे। एक दिन बाबा को निराकार ज्योतिष स्वरूप परमात्मा शिव का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा प्रकाश का दिव्य स्रोत जैसे उनके ऊपर आ रहा है। पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा? विश्व में मानव इतिहास की एक आश्चर्यकारक घटना, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार। पश्चिमी दुनिया
बॉम्ब से दहक रही है। भारत में गृह युद्ध, भूकंप, बाढ़ से हाहाकार। बस करो प्रभु, बस करो, ये भयानक दृश्य और नहीं देखे जाते। सेवक राम, मेरा दिल अब व्यापार में नहीं लगता, अपना हिसाब करके मुझे आजाद कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो लकीराज? तुम्हारे बगैर ये सब कौन संभालेगा? अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल कराही। उन्हीं दिनों बाबा ने एक और अनोखा साक्षात्कार किया। शरीर रूपी पिंजरे से आजाद होकर उन्होंने अलौकिक आनंद की अनुभूति की। फलस्वरूप वे सामाजिक व मोह माया के बंधनों से आजाद हो गए। एक बार बाबा को मृत्यु दशा का साक्षात्कार हुआ। सितारे समान आत्मा भ्रुकुटी से निकलकर पांव के अंगूठे की तरफ गई और फिर लौटकर मस्तक से निकल आकाश की ओर जाती हुई देखी। सचमुच आत्मा शरीर से अलग है, मैं देह नहीं, देह में रहने वाली चेतन आत्मा हूं। उन्हीं दिनों बाबा को श्री कृष्ण और उनके स्वरूपों के साक्षात्कार हुए। सभी की दिव्य वाणी थी, तत् त्वम, यानी तुम वही देवता हो। ये कैसा साक्षात्कार है प्रभु, क्या मैं वही हूँ? बाबा हैदराबाद लौट आए। वे रात को देर तक सिंधु नदी के किनारे एकांत में बैठकर तारों भरे आकाश में खो जाते। बाबा, रात हो गई, अब घर चलिए। उन्हीं दिनों उनके गुरु लालजी महाराज उनके यहाँ पधारे हुए थे। घर में ही सत्संग चल रहा था। बीच में बाबा उठ खड़े हुए और अपने कमरे की ओर जाने लगे। बाबा को क्या हुआ? ऐसे तो सत्संग के बीच से वे कभी नहीं उठते। एक अद्भुत, आश्चर्यजनक और अपूर्व साक्षात्कार। बाबा जैसे एकदम अशरीरीपन का अनुभव करने लगे। उनकी आंखें लाल दीप जैसी चमकने लगी। सारा कमरा लाल दिव्य प्रकाशमय हो गया। ओहो, बाबा का कितना दिव्य रूप! निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा ने आने वाली नई सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार किया। ऊपर से सितारे नीचे उतर रहे थे और कोई दैवी राजकुमार राजकुमारियां बन जाते थे। ये तो सचमुच बहुत सुंदर मनमोहक दैवी दुनिया है। बाबा इस साक्षात्कार के बारे में विशेष मंथन करने लगे। बाबा की आंतरिक स्थिति बदलने लगी थी। एक बार उनकी पुत्रवधु भोजन की थाली लेकर उनके कमरे में आई। बाबा के चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश उतर रहा था। उसके हाथों से थाली गिर गई। एक बार बाबा की पत्नी जसोदा ने अपने पति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और भाव विभोर हो गई। ओह, कन्हैया, मुरली वाला। अब बाबा ने जसोदा निवास में सत्संग शुरू किया। वे गीता को सच्चे अर्थ सहित पढ़ाने लगे। वे बहुत ही तन्मय होकर ओम की ध्वनि बोलते, सुनने वाले ध्यान में चले जाते या गहरी शांति का अनुभव करते। लोगों ने सत्संग का नाम रखा ओम मंडली। मोह माया के बंधनों से ऊपर उठकर समस्त मानव जाति के बारे में सोचना शुरू करो। ओम मंडली में आने वाली कन्याओं और माताओं को दिव्य साक्षात्कार होने लगे। शहर भर में हवा फैल गई। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। कृष्ण से साक्षात्कार अपने आप में परम आनंद की अनुभूति है। परमेश्वर को अपने भीतर तलाश करो। इन्हीं दिनों
एक सुंदर और गुणवान कन्या राधा ओम मंडली में आने लगी। वो गीत संगीत और नृत्य में प्रवीण थी। तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं, ये शरीर तो पांच तत्वों का बना मिट्टी का पुतला है। तुम एक शुद्ध अविनाशी आत्मा ईश्वर की संतान हो। कितनी दिव्य और शांतिदायक वाणी है। यही आगे चलकर यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती बनी, जिसे बड़े प्यार से सभी मम्मा बुलाने लगे। उन दिनों बाबा के स्नेह सौजन्य से आकर्षित गोपी नामक माता सत्संग में आने लगी। आगे चलकर यही दीदी मनमोहिनी के नाम से जानी गई। कई वर्षों तक संयुक्त मुख्य प्रशासिका के रूप से दीदी ने बाबा के इस विशाल कार्य का सुचारू रूप से संचालन किया। रामा नामक की एक कन्या ने स्वप्न में देखा, मखमली हरियाली वाला विशाल मैदान है और बाल कन्हैया हंसता हुआ इशारे से बुला रहा है। अरे, ये दिव्य श्वेत वस्त्रधारी पुरुष कौन? सपने में यही तो थे। वह कन्या उसी दिन से इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई। आगे चलकर यही दादी प्रकाशमणि के नाम से प्रसिद्ध हुई। लगभग चार दशकों तक इस संस्था की मुख्य प्रशासिका बनकर आपने ईश्वरीय सेवाओं को देश विदेश में फैलाया। शोभा नामक एक कन्या 9 साल की उम्र में बाबा के बोर्डिंग ओम निवास में दाखिल हुई। शुरू से ही उसका साक्षात्कार का विशेष पाठ रहा। अलौकिक परमात्म पालना में पली, मधुर वाणी का वरदान प्राप्त हुई यही कन्या आगे चलकर दादी हृदय मोहिनी तथा गुलजार के नाम से प्रसिद्ध हुई। कई वर्षों से आप दिल्ली जोन की प्रशासिका रही हैं। वर्तमान समय आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं। निराकार परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा का साकार माध्यम बनने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त है। परमात्मा के प्रति सच्ची लगन रखते हुए सन 1937 से ही ईश्वरीय ज्ञान और योग साधना से जुड़ी हैं दादी जानकी जी। एक बार दादी ने बाबा से पूछा, मैं ज्ञान में देरी से आई हूँ, क्या पुरुषार्थ करूँ जिससे अच्छी बन जाऊं? तो बाबा ने उन्हें 12 बार मुरली पढ़ने को कहा। तब दादी ने कहा, बाबा 24 बार पढ़ूंगी तो और अच्छा बन जाऊंगी ना। स्वयं भाग्य विधाता भगवान का हाथ जिनके माथे पर रहा वो दादी जी उमंग उत्साह अथकपन की मूर्ति हैं। ईश्वरीय ज्ञान को सरल शब्दों में सुनाना आपकी विशेषता है। सन 1974 से विदेशों में अनेक सेवा केंद्र खोलने के आप निमित्त बने। आपको मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड के खिताब से नवाजा गया है। वर्तमान समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका के रूप में आप कार्यरत हैं। बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा पति मर गया है, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? बच्ची, पति का रिश्ता शरीर से था, तुम तो एक अविनाशी अमर आत्मा हो। तुम्हारा रिश्ता तो सीधा परमेश्वर से जुड़ा है, उसकी तरफ ध्यान दो। बाबा, अब मेरा दुख दूर हो गया है, आपके शब्दों के जादू ने मेरे मन मंदिर में उजाला फैला दिया है। बाबा, घर में पिताजी बहुत शराब पीते हैं, जीना मुश्किल हो गया है। कल उन्हें मेरे पास ले आना। तुम अपना परिचय जानते हो? तुम्हारा शरीर मंदिर है और तुम उसमें रहने वाली पवित्र आत्मा। क्या देवता को शराब का भोग लगाते हैं? क्या मैं देवता? मेरा शरीर मंदिर, तो
तो मैं फिर शराब कैसे पी सकता हूँ? अरे बड़े भैया, यह क्या कर रहे हो? आप मत पीना, मेरे लिए। जो मेरे लिए बुरा वह तुम्हारे लिए भी बुरा। बाबा कन्याओं की पितृवत पालना करते थे, साथ साथ उनमें पवित्रता के संस्कार भी दृढ़ कराते थे। बच्ची, तुम्हें कलियुगी पैंट शर्ट वाले से शादी करनी है या पिताम्बरधारी सतयुगी श्री कृष्ण से? बाबा, हम तो श्री कृष्ण से ही शादी करेंगे। बाबा, कल गाड़ी भेजना। कल जो होगा देखा जाएगा। बच्ची जागो, तुम्हें हर एक आत्मा की ज्योति जगानी है, विश्व का कल्याण करना है। बाबा, आप सचमुच भगवान हैं, मैं पहचान नहीं सकी। अब आप जो कहेंगे वही करूंगी। बीच में बाबा सब परिवार कश्मीर गए, वही उनकी बेटी की भेंट एक राहगीर से हुई। पहलगाम जाने का रास्ता किधर से जाता है? मुझे पहलगाम का रास्ता मालूम नहीं, परमधाम का रास्ता बता सकती हूँ। वो राहगीर को अपने बाबा के पास ले आई। बाबा के ओजस्वी तेज के रूप में राहगीर ने अपने रोम रोम में दिव्य प्रकाश का अनुभव किया, और बाद में रिजुमल नाम का ये राहगीर सब परिवार यज्ञ में शामिल हो गया। आहा, मैं धन्य हो गया। बच्चों के लिए बाबा ने ओम निवास में एक छात्रावास और स्कूल का प्रबंध किया। अभ्यास के साथ उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान, चित्र, संगीत आदि कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। मेरे बच्चों, आप सबको पवित्रता की प्रतिज्ञा लेनी है, लेकिन उससे पहले आप सबको अपने पिता या पति से सम्मति पत्र लाना होगा। लो बाबा, यह सम्मति पत्र। ब्रह्मचर्य के पालन की बात पर सिंध हैदराबाद में हलचल फैल गई। कईयों के पिता, चाचा, भाई, पति आदि ओम मंडली में जाने की मना करने लगे। कन्याओं, माताओं पर जुल्म होने लगे। हम आपके साथ घर नहीं जाएंगे। हम वहां जरूर जाएंगे। बाबा को मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया, मगर बाबा के ओजस्वी तेज से हमलावरों की आंखें चौंधिया गई। बंदूकधारी को बाबा की जगह चमकता हुआ सितारा दिखाई पड़ने लगा। अरे, ये क्या? इतनी तेज रोशनी है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अरे जहां देखो वहां तेज ही तेज। बाबा जरूर जादूगर है। एक बार बाबा अपने मकान के कमरे में बैठे हुए थे। बाबा, कोई सिख भाई आपसे मिलने के लिए आया है, वो बड़ा भयानक लगता है। कोई बात नहीं बेटी, उसे ऊपर भेजो। मुझे माफ कर दीजिए वाहे गुरु बाबा। वाहे गुरु दा खालसा। आज ये किला बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। मैनू माफ कर दो बाबा, मैं आपको मारने आया था। प्रायश्चित के आंसू हर पाप धो देते हैं। तुम परमेश्वर की प्रिय संतान हो, उसकी तरफ ध्यान दो। जुल्म की इंतहा करते हुए विरोधियों ने यज्ञ परिवार के सत्संग भवन अर्थात लाखा भवन को आग लगा दी, मगर वो कहते हैं ना, जाको राखे साईया, मार सके ना कोई। 1938 में बाबा कराची चले गए। बाद में कन्याएं माताएं भी अपने परिवार सहित कराची पहुंच गए। तुम्हें शिव शक्ति बनकर जगत का उद्धार करना है। काम, क्रोध आदि विकार ही सच्चे दुश्मन हैं। बाबा द्वारा हमें परमात्मा का सच्चा ज्ञान मिलता है। आप सब पवित्रता क्यों चाहती है? पुरुष अगर अपनी पत्नी को विधवा बनाकर, बच्चों को अनाथ छोड़कर परमात्मा प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, तो हम नारियों को पवित्र रहने का अधिकार क्यों नहीं? यह अदालत ओम मंडली की सदस्यों की सोच से पूर्णतया सहमति जताते हुए उन्हें उनकी स्वतंत्रता प्रदान करती है। संदेश पुत्रियां सूक्ष्म वतन में जाकर ज्ञान के राज लेकर आती। इन पर बाबा और ओम राधे क्लास कराते। ज्ञान के नित्य नवीन श्रृंगार से बच्चों को भरपूर करते। उनमें गुलजार नामक कन्या ने ध्यान में जाकर ज्ञान के अनेक राज खुलते हुए दृश्य देखे।
धीरे धीरे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में कई भाई बहने सपरिवार समर्पित जीवन का दिव्य अनुभव करने लगे। इनमें बाबा का लौकिक भतीजा विश्व किशोर का परिवार और आनंद किशोर, विश्वरतन, चंद्रहास आदि कई आते गए। यज्ञ वत्सों की संख्या करीब 350 की हो गई। अब सभी को यही महसूस होता था कि ज्ञान के सागर शिव परमात्मा शिक्षक के रूप में हमें रोज पढ़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, खुदा के इस बंदे के लायक कोई खिदमत हो तो जरूर बताइएगा। 1950 में ईश्वरीय आदेशानुसार बाबा कराची से सम्मान विदा होकर भारत में ओखा बंदरगाह के लिए रवाना हुए। सारा यज्ञ परिवार आबू पर्वत पर भरतपुर के राजा की इस कोठी में रहने आया। वहां अनगिनत सांपों को देख डर गया। डरो मत बच्चों, हमें काम क्रोध और अहंकार रूपी सांपों से ही तो मुकाबला करना है। यह तो सचमुच हंसों की टोली है। बच्चों, तुम ही सच्ची शिव शक्तियां हो, राज ऋषि हो। तुम्हें ज्ञान तलवार और योग कवच से माया के साथ युद्ध करना है। बाबा, आप इस उम्र में भी इतना कैसे दौड़ लेते हो? बेटी, तुम जानती नहीं, इस गाड़ी में डबल इंजन है, एक ब्रह्मा और दूसरा शिव बाबा। बाबा अक्सर करके अपने लाडले बच्चों को प्यार व शिक्षा से भरपूर ऐसे पत्र लिखते कि जिन्हें बार बार पढ़ने का मन करता। बाबा ने 5 मई 1939 को गांधी जी को एक खत लिखा। प्यारे गांधी जी, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति ईश्वरीय ज्ञान और दिव्य साक्षात्कार के बल से प्राप्त हो सकती है। आत्मिक बल से ही विज्ञान बल को जीता जा सकता है। बाबा ने रविंद्रनाथ टैगोर, लॉर्ड हैलिफैक्स, जीना, नेपाल नरेश, उदयपुर के महाराणा को पत्र लिखकर ईश्वरीय निमंत्रण दिया। मम्मा सभी यज्ञ वत्सों को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाती। अपनी आत्मशक्ति को जागृत करो और फिर कोशिश करो खुद को सच्चे अर्थों में पहचानने की। परमात्मा शिव ने तीनों लोकों का राज ब्रह्मा मुख द्वारा बताया। साकारी पृथ्वी लोक, आकारी सूक्ष्म लोक और निराकारी ब्रह्मलोक। बाबा कहते थे कि निरंतर योग साधना अर्थात परमपिता परमेश्वर की याद से जीवन श्रेष्ठ बनता है। राजयोग आत्मा का परमात्मा से मधुर मिलन है, जिसके द्वारा आत्मा अत्यंत सुख, शांति, पवित्रता, आनंद और प्रेम की अनुभूति करती है। ब्रह्मा कुमारी बहने भारत भूमि की चारों दिशाओं में शिव बाबा का संदेश सुनाने पहुंच गई। मधुबन, आबू पर्वत, पांडव भवन पर भी मुलाकाती बाबा को एक पल खाली नहीं छोड़ते। बाबा की मीठी वाणी सुनकर सभी को बेहद आत्मिक शांति मिलती। सेवा अर्थ बाबा कई बार बंबई, दिल्ली भी गए। इस प्रकार अपने मन वचन कर्म से हर आत्मा में शांति
और पवित्रता का बल भरते ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को प्राप्त कर 18 जनवरी 69 को अव्यक्त हो गए। बाबा द्वारा दिया हुआ ज्ञान आज भी हमारे मन मंदिर में रोशन है। उनकी वो मीठी ज्ञानवर्धक बातें हमें बार बार खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। बाबा कहते थे, प्यारे बच्चों, जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध ईश्वरीय अधिकार है। कभी भी किसी को मन वचन और कर्म से दुख मत दो। दिव्य गुण धारण करो। मुझसे मिले इस अविनाशी ज्ञान के खजाने को समस्त मानव जाति में दिल खोल कर खर्च करो। ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप, पवित्रता स्वरूप और आनंद स्वरूप बनो। बाबा का शरीर भले ही आज हमारी आंखों से ओझल हो गया, मगर वो महान आत्मा हमारे रोम रोम में विराजमान है और अपने अमर दिव्य ज्ञान से सदैव हमें परमात्मा की ओर प्रेरित करती रहेगी। आपने बाबा के बारे में बताकर हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है। क्या हम यज्ञ परिवार में शामिल हो सकते हैं? आप सभी आत्माओं का स्वागत है। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.